सबसे पहले हिंदुस्तान की तमाम आवाम को, बम्बई और महाराष्ट्र के तमाम लोगों को मैं तहे दिल से जनसेवा चिश्ती फाउंडेशन JCF NGO जो कि एक रजिस्टर्ड इदारा है और मैं इसकी तरफ से तमाम लोगों को बहुत तहे दिल से 73वें यौम जम्हूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये प्रोग्राम जो है हमारा, ये जश्न जम्हूरियत और मौसम इंसानियत कॉन्फ्रेंस है जो कि पिछले 8 सालों से ये प्रोग्राम अपनी शान और शौकत के साथ रवा दवा है। और इस प्रोग्राम की सबसे खास बात ये है कि कहीं ना कहीं ये एक हिंदुस्तान का ही नहीं, कहीं ना कहीं आलमी सतह पे जाने वाला प्रोग्राम है जहाँ पर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार आज़मी माहिरुल कादरी, आप जो सामने मस्जिद देख रहे हैं ये एक ऐसी आइकॉनिक मस्जिद है, मतलब हिंदुस्तानी मस्जिद, मतलब पूरे हिंदुस्तान की जान शान वाली मस्जिद है। इसका नाम ही है हिंदुस्तानी मस्जिद। और इसके अंदर तकरीबन 45 सालों से जो एक शख्स अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया में जो किसी तारुफ़ मोहताज नहीं है, जिनका नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और ये उन्हीं की तरबियत है, ये उन्हीं की कहीं ना कहीं सिखाई हुई नसीहतें हैं कि उनके आज जो आप ये झंडा बंधन देख रहे हैं ये बम्बई का सबसे पुराना झंडा बंधन है। पिछले 40 सालों से यहाँ पर झंडा बंधन की रस्म को अदा किया जा रहा है और ये अपने इसी शान और शौकत के साथ में रवा दवा है। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं इस झंडे बंधन की खासियत ये है कि ये पिछले 40 सालों से रवा दवा है। तो माशाल्लाह आज यहाँ पर मैंने मेरी पूरी टीम, माशाल्लाह जनसेवा चिश्ती फाउंडेशन की जो पूरी टीम है जिसके अंदर के तमाम ट्रस्टियान मेंबर, हम लोग माशाल्लाह, हमारी एक छोटी सी कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं एक अच्छे अंदाज में इस प्रोग्राम को हमने अंजाम दिया और माशाल्लाह हमारी कोशिशें यही रहेगी कि आगे भी इंशाल्लाह इसी अंदाज में। जी कलम एरिया झोपड़पट्टी एरिया में आज एजुकेशन कम है जी, और पढ़ाई के लिए क्या जी? बहुत बहुत अच्छी बात कही फरीद भाई आपने। और कहीं ना कहीं मैं तो ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई नहीं है, मतलब एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ से हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं, लोगों के सकता किसी और चीज़ से बदला नहीं जा सकता। अगर आज समाज को बदलना है, सोच को बदलना है, नौजवानों को बदलना है, तो वो एक वाहिद रास्ता है एजुकेशन। और सिर्फ मैं इसमें एक और बात ऐड कर देना चाहता हूँ, लोग हमेशा कहते हैं कि सिर्फ एजुकेशन से ही बदला जा सकता है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ में तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। तरबियत की मिसाल ये है कि अगर एक एजुकेशन वाला बंदा, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा बंदा अगर वो क्रिमिनल बनता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत संगीन जरायम करता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सारे स्किल्स डेवलप है। तो इसके लिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में एजुकेशन के साथ साथ में एक अच्छी तरबियत देना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी बात है। जैसे कि आप शिवाजी नगर गोंडी एरिया से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों को आप पॉपुलर है वहाँ जी, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी नस्ल को खराब करने के नशाखोरी है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और इससे हम सब वाकिफ है कि कहीं ना कहीं आज अगर नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें नशा एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं नशे का एक बड़ा कारोबार कहीं ना कहीं गोवंडी मानकोर इलाके में चल रहा है। इसके लिए हमारी कोशिशें चल रही हैं और अलग अलग तरीके से हम लोग माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं नशे के ऊपर भी, और इंशाल्लाह लगे जात से उम्मीद है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हमको नशा ख़त्म करना है तो अगर हम एक पेडलर को ख़त्म करते हैं, अब कैसा हो गया है कि कहीं ना कहीं वाइट कुर्ते वाले भी कहीं ना कहीं इस तरीके के कारोबार में मुलव्वित हैं। पहले कैसा था कि कहीं ना कहीं जो ब्लैक लिस्टेड थे वो लोग कर रहे थे, लेकिन आज जब वाइट कॉलर वाला जब ये काम करने लगता है तो फिर नस्ल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अगर नस्ल को बर्बाद होने से बचाना है तो इसके लिए ज़रूरी सबसे ये बात है कि कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों के अंदर वो एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना होगा कि जब बच्चा पढ़ा लिखा होगा उसे सही गलत की एक फ़र्क मालूम होगा, उसे कहीं ना कहीं उसकी तरबियत उस अंदाज में होगी कि वो सही गलत का फैसला कर सके, तब जाकर कहीं ना कहीं एक नशे का खात्मा हो सकता है। अदरवाइज अगर आप और हम जिंदगी निकाल दें तब भी इसका खात्मा होना मुश्किल है। हम लोग अलग अलग तरीके से, मैंने CP साहब के पास, एडिशनल CP साहब के पास, जॉइंट CP साहब के पास, हमने इस तरीके के मामलात रखे हैं कि सर इस लेवल पे काम किया जाए। नार्को डिपार्टमेंट के हमारे जो हेड हैं
उनके सामने भी हमने ये बात रखी हुई है। लेकिन जो मैं आप सबको एक इस वीडियो के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू पैगाम देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, आप अपने बच्चे के कहीं ना कहीं दोस्तों अहबाब पे नज़र रखें। मेरा ये मैसेज तमाम वालदैन के लिए है, तमाम बड़े उन बच्चों के भाइयों के लिए है कि आप सिर्फ बच्चों को कॉलेज भेज देना या किसी क्लासेस में भेज देना ये काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े, एक अच्छा कामयाब इंसान बने, तो आप देखें कि वो बच्चा किन की सोबत में बैठ रहा है, आप देखें कि वो बच्चा क्या कर रहा है, आप देखें कि वो बच्चे के दोस्त अहबाब कौन है। इस तरीके के जब आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के ऊपर एक नज़र रखते हैं तो वो आपका बच्चा एक काबिल इंसान बनता है। और इसी के साथ में मैं चाहूँगा कि अब अगला सवाल हमारे रिजवान भाई से पूछा जाए। अभी तक किन किन लोगों के साथ कितनी सेवा की है और सबसे बड़ी बात हेल्थ और एजुकेशन की, हेल्थ के लिए आप लोगों ने क्या किया? माशाल्लाह, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इस एनजीओ के साथ सबसे जुड़ा हूँ, उसकी बुनियाद की 6 साल से ज़्यादा का साथ हमें अमली जामा पहनाते हुए। कई सवाल आपने पूछा कि हमने किस किस किस्म की खिदमत अंजाम दी, तो हमारी खिदमत में टॉप प्रायरिटीज में एजुकेशन, दूसरी हमारी खिदमत है तो हम लोग हर महीने में उसे आप खुफिया तौर पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जानते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर हम हर महाना अभी फी जमाना लॉकडाउन के एतबार से, वरना हमारी हफ्ता हमारी कोशिश थी, हमने कई हफ्ते उसको रेगुलर करवाया। अब हर महाना यहाँ पर हम दूसरी मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। इसी नुक्कड़ के ऊपर यहाँ की आवाम को हमने काफ़ी सारी खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा तालीमी मियार पर गवर्नमेंट में जिस तरीके से साइंस ने बताया, जन सेवा जिसमें फाउंडेशन के माध्यम से हम ऐसे गरीब गुरबा लोगों को फ्री तालीमात मैसर कराते हैं, जिसमें वो लोग दुनियावी तालीमात में बेहतर से बेहतर एडवांस से एडवांस तालीम हासिल करके अपना करियर बना सकें। खासतौर पर उसमें हम लोग कंप्यूटराइज में अपने आप बच्चों को तालीम देते हैं, स्लम एरिया में उन लोग कंप्यूटर के नाम से ऐसा सोचते हैं, महंगी तालीम होगी।